हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर शो शाइनिंग स्टार। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच बॉलीवुड की गलियों में नाम कमाने वाले कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में जो नेम और फेम गेन करने के लिए, किसी भी हद तक गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज एक बार फिर से इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आप सभी के फेवरेट सितारों की ग्लैमरस लाइफ के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और बढ़ते हैं अपनी स्पेशल एपिसोड की रिपोर्ट की तरफ। लेकिन 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 इससे पहले कि आप हमारी रिपोर्ट पर नज़र दौड़ाएं, आपको शॉर्ट डिटेल में बताते हैं कि आज सबसे पहले हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बता दें, हम बात करेंगे सलमान खान और शाहरुख खान की। ये तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में यानी कि 8 मई को सोनम कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा से शादी की है और उसी शाम को रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई थी जिसमें ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड नजर आया था। लेकिन रिसेप्शन में सलमान और शाहरुख ने सोनम की माँ और अनिल कपूर की पत्नी यानी कि सुनीता कपूर के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से सुनीता कपूर को बोलना पड़ा कंट्रोल देम। वहीं अगर बात करें फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की, तो बता दें रिसेप्शन पार्टी में इन दोनों कपल्स को साथ में देखा गया था। दोनों ने साथ में एंट्री भी करी और कैमरे के आगे एक कपल की तरह बिल्कुल पोज देते नजर आए और कई दिनों से इन दोनों के अफेयर की खबरें भी मीडिया में फैली हुई हैं। रिसेप्शन में दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सच में एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। और ऐसे ही कई स्टार्स की मज़ेदार खबरों के लिए आपको देखना होगा हमारा ये खास प्रोग्राम शाइनिंग स्टार। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में अपने फैशन और अपने बिंदास अंदाज से जाने जाने वाली सोनम कपूर 8 मई को दिल्ली के सबसे मशहूर बिजनेसमैन और अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा से शादी कर चुकी हैं और उनकी पत्नी बन चुकी हैं। और शादी वाले दिन ही यानी कि शाम को उनकी शादी का रिसेप्शन भी रखा गया था जिसमें शाहरुख से लेकर सलमान खान भी वहां मौजूद हुए थे और दोनों ने पार्टी में एक शान बढ़ा दी थी। लेकिन पार्टी में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से सोनम की माँ और अनिल कपूर की पत्नी को बोलना पड़ा कंट्रोल देम। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। बता दे, पार्टी की कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई जो काफी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें से एक वीडियो सलमान और शाहरुख की है। बता दे, सलमान और शाहरुख मस्ती भरे अंदाज में नाचते और गाते दिखाई दे रहे हैं। एक खास बात तो ये है कि वीडियो में शाहरुख सलमान एक्टर अनिल कपूर की पत्नी यानी कि सुनीता कपूर के लिए गाना गा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें, सुनीता कपूर के लिए दोनों ने घुटनों पर बैठकर गाना गाया है। दोनों फिल्म का गाने ये बंधन तो सुनीता के लिए घुटनों पर बैठते हुए गाते दिखाई दिए। शाहरुख सलमान का ये अंदाज देख सभी हैरान और हंसने लग गए थे। इसी बीच सुनीता पास खड़े लोगों से कहती हैं कंट्रोल देम। वीडियो में पीछे खड़े अनिल कपूर और रणवीर सिंह भी काफी जोर जोर से हंसते दिखाई दिए और सोनम कपूर भी इनके इस अंदाज को देखकर काफी खुश होती हुई दिखाई दी। 8 मई सोनम कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा से शादी कर ली है और ये दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 8 मई को सुबह जहां शादी हुई वहीं शाम को रिसेप्शन का फंक्शन रखा गया था और इस खास मौके पर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इस पार्टी में शामिल होने पहुंचे। और इस मौके पर बॉलीवुड के नए नए लव बर्ड्स यानी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भी साथ देखा गया और सबकी निगाहें इन दोनों पर ही टिकी हुई थी। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब दोनों को साथ में देखा गया हो। इससे पहले भी कभी डिनर डेट पर तो कभी फिल्म की स्क्रीनिंग पर दोनों को साथ में स्पॉट किया गया है। हालांकि इन दोनों ने अपने रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन दोनों को कई मौके पर साथ में स्पॉट किया गया। और अब सोनम के रिसेप्शन में इन दोनों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। सोनम के रिसेप्शन के मौके पर ये दोनों लव बर्ड साथ में बेहद खुश दिखाई दे रहे थे और अब इसके चलते इनके बीच की केमिस्ट्री काफी अच्छी भी दिखाई दे रही है। ऐसे में जब इस बार सोनम की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो ना सिर्फ साथ में एंट्री करते हुए दिखाई दिए बल्कि साथ में कपल की तरह पोज भी दिखाई दिए।
बता दें रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट की कमर में हाथ डाला हुआ था और दोनों काफी साथ में अच्छे दिखाई दे रहे थे। वेल आपको बता दें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं और इनके फैंस उनकी इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा इस रिपोर्ट में आपने कि किस तरह से सलमान शाहरुख सोनम की माँ के साथ डांस कर रहे थे और उनके लिए घुटनों पर बैठकर डांस के साथ साथ गाना भी गाते नजर आ रहे थे। वहीं अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर दोनों को संभाल नहीं पा रही थी और भीड़ से बोलने लगी कंट्रोल देम। वहीं अगर बात करें आलिया और रणबीर कपूर की, बता दें ये बॉलीवुड के नए नए लव वर्ड्स बन चुके हैं। जिस तरह से दोनों ने रिसेप्शन पार्टी में एंट्री करी थी, सभी की निगाहें बस इन दोनों पर ही टिकी हुई थी। और अब हम अपनी अगली रिपोर्ट में बात करेंगे सलमान और कैटरीना कैफ की। बता दें सलमान ने जैसे ही रिसेप्शन में कैटरीना को देखा और उन्हें देखने के बाद वो झट से कैटरीना को गले लगाने लगे। इसी के साथ करीना भी रिसेप्शन पार्टी में काफी नशे में दिखाई दी। चलिए फिर देरी किस बात की, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं सोनम कपूर 8 मई को आनंद अहूजा से शादी कर चुकी हैं। साथ ही साथ शादी वाले दिन ही यानी कि 8 मई को मुंबई के द लीला होटल में सोनम की शादी का रिसेप्शन भी रखा गया था जहाँ बॉलीवुड के सारे सितारे वहाँ मौजूद थे। बता दें रिसेप्शन में ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर सलमान खान तक वहां मौजूद हुए थे। वहीं अगर हम बात करें सलमान खान की तो बता दें रिसेप्शन में सलमान खान ब्लैक सूट में पहुंचे थे और काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहे थे। वहीं इस पार्टी में सलमान खान की चहेती यानी कि कैटरीना कैफ भी मौजूद हुई थी और जैसे ही सलमान ने कैटरीना को देखा वो बेकाबू हो गए और झट से कैटरीना को गले से लगा लिया और काफी प्यार से कैटरीना की तरफ खूब देर तक देखते रहे। बता दें कैटरीना अपनी बहन ईसाबेल के साथ सोनम की शादी की रिसेप्शन पार्टी में पहुंची थी। जानकारी के लिए बता दें बेशक सलमान कैटरीना का ब्रेकअप हो गया है लेकिन इन दोनों को देखकर तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। और अब रिसेप्शन के मौके पर जिस तरह से सलमान कैटरीना को गले लगा रहे थे उससे इन दोनों के बीच के प्यार को साफ देखा जा सकता है। वेल दोनों की रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। बॉलीवुड की फैशन दीवा सोनम कपूर मंगलवार को यानी कि 8 मई को आनंद अहूजा से शादी के बंधन में बन चुकी हैं। साथ ही साथ 8 मई की शाम को ही रिसेप्शन पार्टी भी रखी गई थी। रिसेप्शन में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। बता दें शादी में अमिताभ से लेकर करीना तक शामिल हुए थे। वहीं अगर करीना की बात की जाए तो बता दें करीना ने रिसेप्शन में गोल्डन कलर की रैप साड़ी में नजर आई थी और काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वहीं पार्टी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें करीना आलिया और करिश्मा पार्टी इंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। इसमें करीना बियर बार के बगल में बैठी हुई हैं और उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो पूरे नशे में हैं। जानकारी के लिए बता दें करीना ने अपने बाल आगे किए और आलिया करिश्मा को फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया। वहीं एक और वीडियो सामने आया था जिसमें करीना हाथ में वाइन का गिलास लेकर बैठी हुई हैं और सैफ उनके बगल में खड़े हुए हैं और दोनों ओले ओले गाने पर डांस कर रहे हैं। और उनकी इस वीडियो से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीना कपूर ने भरपूर नशे किए हुए हैं। वेल आप सबको अब ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि 8 मई को सोनम कपूर शादी कर चुकी हैं। अब तो ये बात पूरे देश और सोशल मीडिया पर हर जगह फैली हुई है। लेकिन इस शादी में सबसे ज्यादा एंजॉय जिसने किया था वो है सोनम कपूर के पापा और बॉलीवुड के एवरग्रीन अनिल कपूर। बता दें अनिल कपूर 61 के हो चुके हैं लेकिन अपनी बेटी की शादी में जिस तरह से जमकर नाचे हैं उससे ये तो साबित हो गया है कि अनिल कपूर सच में ही एवरग्रीन है। बता दें अनिल कपूर बेटी सोनम कपूर की मेहंदी से लेकर शादी के रिसेप्शन तक जमकर डांस करते हुए नजर आए थे और एक पिता की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और हाल ही में सोनम की रिसेप्शन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें अनिल कपूर अपनी सुपरहिट फिल्म राम लखन के लखन के अंदाज में नजर आ रहे हैं और अपने हिट गाने पर परफॉर्म कर रहे हैं। अनिल कपूर की एनर्जी और चेहरे की चमक देखते ही बनती है। वेल उनकी इस वीडियो से तो ये साफ हो गया है कि अनिल कपूर काफी एनर्जेटिक हैं और उनका ग्रेस कभी कम नहीं होने वाला। तो दोस्तों देखा आपने आप सभी की फेवरेट बॉलीवुड स्टार सोनम कपूर की शादी से जुड़ी खबरें जिसकी वजह से सोनम और उनके बाकी स्टार्स भी काफी ज्यादा खबरों में बने हुए हैं। वेल अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का लेकिन इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा।
जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी बी टाउन की कुछ मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।